वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनों पे। आज हम लोग समझेंगे जैव विविधता के बारे में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके कितने काइंड्स होते हैं, इसको किस तरीके से मापते हैं या इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और ये आपका यूपी टेट के लिहाज से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देख सकते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको स्किप बिल्कुल ना करें, इसको ज़रूर आप पढ़िए, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं जैव विविधता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैव विविधता क्या है। देखिए, क्या है जैव विविधता? तो किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर, किसी भी हैबिटेट पर, किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे, किसी भी क्षेत्र पे जो अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, पौधे पाए जाते हैं या एनिमल्स पाए जाते हैं या कोई जानवर पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनकी जो विविधता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। एक लाइन में अगर पढ़ें तो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को हम जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता के मापन, ठीक है। तो जैव विविधता को मापन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कि आपका ये रफली ग्लोब है जिसमें कि 30% क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, और 70% में क्या आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, ठीक है। तो 30% में पेड़ पौधे और 70% में आपके जीव जंतु आ जाएंगे, ठीक। अगर हम जीव जंतु में देखें तो जीव जंतु में जो कीड़े मकौड़े हैं वो आपके 70% आ जाएंगे। कीड़े मकौड़े कितने आ जाएंगे, 70% आ जाएंगे। इंसेक्ट्स 70% और 30% में अन्य जीव आ जाएंगे। तो क्लियर है, यानी कि अगर हम पेड़ पौधे जीव जंतु को साथ में देखते हैं तो पेड़ पौधे 30% लगभग होंगे और 70% जीव जंतु आ जाएंगे। अगर हम जीव जंतु को सिर्फ देखते हैं तो जीव जंतु में 70% कीड़े मकौड़े हो जाते हैं और 30% अन्य जीव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जैव विविधता के मापन, ठीक है। तो जैव विविधता को किस तरीके से मापते हैं, तो इसको तीन तरीके से मापा जाता है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अल्फा डाइवर्सिटी में क्या होता है, एक ही, ठीक है, तो एक ही क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी में रखते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी यानी कि एक ही क्षेत्र में कितने प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, अल्फा डाइवर्सिटी में रखेंगे। बीटा डाइवर्सिटी में क्या होता है कि दो अलग अलग क्षेत्र लिए जाते हैं, दो अलग अलग क्षेत्र लिए जाते हैं और उसमें किस तरीके की, और इसका कंपैरिजन कराया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग इसमें कितनी, इसके अकॉर्डिंग इसमें कितनी है, ठीक है। यानी कि दोनों दो क्षेत्र को मिला करके फिर वहाँ पर हम देखते हैं किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है, किसमें बढ़ोतरी हो रही, किसमें गिरावट आ रही है, ठीक है, किसमें इंक्रीज़ हो रहा है, किसमें डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो किसमें हम रखते हैं, बीटा डाइवर्सिटी में रखते हैं। यानी कि एक क्षेत्र की बात हो तो अल्फा डाइवर्सिटी, दो क्षेत्र की बात हो तो बीटा डाइवर्सिटी। अगर यही आपका गामा डाइवर्सिटी किसमें आएगा, इसमें क्या होता है, अलग अलग समुदाय क्षेत्र, अलग अलग समुदाय क्षेत्र जो होते हैं, हैबिटेट जो होते हैं, तो उनको जब साथ में मापा जाता है, साथ में देखा जाता है कि वहाँ पर कहाँ पर किसकी, कहाँ पर कौन सी प्रजाति की ज़्यादा संख्या है, कहाँ पर कौन से एनिमल ज़्यादा तरीके के पाए जाते हैं, कौन से जीव जंतु ज़्यादा तरीके के पाए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक जगह पर अगर बात चलेगी तो अल्फा डाइवर्सिटी, दो जगह की बात चलेगी, दो क्षेत्र से, दो या तीन क्षेत्र से, तो बीटा डाइवर्सिटी, और बहुत बड़े भूभाग से अगर कंपेरिजन कराया जाएगा तो वो हो जाएगा आपका गामा डाइवर्सिटी में हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि कहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी ज़्यादा है और कितनी डाइवर्सिटी कम है। जैव विविधता का कारण, अब हम देखेंगे जैव विविधता का कारण क्या है, कि कहाँ जैव विविधता होने का रीज़न क्या है, अगर कुछ कोई चीज़ है तो उसके पीछे कोई रीज़न भी तो होगा। तो जैव विविधता यानी कि जैव विविधता वहीं पर ज़्यादा होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। तो जहाँ पर जितनी बारिश होगी वहाँ पर उतनी ही विविधता होगी, ठीक है। तो मेन दो रीज़न क्या है, अत्यधिक का बारिश होना, अत्यधिक बारिश होना और उच्च तापमान, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पर होगा या बहुत ज़्यादा जहाँ पर बारिश होगी तो वहाँ पर क्या है, जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी, क्लियर। अब हम बात करते हैं जैव विविधता केंद्र या हॉटस्पॉट या उष्ण स्थल। तो आप चाहे बोलिए जैव विविधता केंद्र बोलिए, चाहे हॉटस्पॉट बोलिए, चाहे उष्ण स्थल बोलिए, एक ही चीज़ है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मेन आपके जैव विविधता केंद्र हैं तो वो कितने हैं, आपके दो हैं,
एक तो आपका है पश्चिमी घाट, एक है आपका पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक आपका, पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक आपका, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक के, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक के। और ये आपका कौन सा है एरिया, पूर्वी हिमालय। तो आपके मेन कौन से फेमस हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, अंडमान निकोबार, यानी कि जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहीं पर जैव विविधता केंद्र होगा। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए अगर ये ग्लोब है तो ये आपकी कौन सी इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री पे है। ठीक, ऊपर आपकी कर्क रेखा, नीचे आपकी मकर रेखा। तो ये एरिया जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर तापमान होता है, जब यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है तो यहाँ पर बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। तो जैव विविधता जो केंद्र हैं वो यहीं पर आपके बनेंगे, यानी कि आप वर्ल्ड की अगर बात करें तो आपके जो जैव विविधता केंद्र हैं आपकी यहीं पर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर लाइन के पास हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और आपका जो है ऊपर कर्क रेखा नीचे मकर रेखा, तो ये आपके एरिए में हमेशा जो यहीं पर आपके जैव विविधता केंद्र बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसके अलावा कौन से क्षेत्र हैं, आपका पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, इसके अलावा आपके अंडमान निकोबार भी है। ठीक है, फिर क्या है, अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में जो साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली जो है वो किसके लिए फेमस है, डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। पूछा जाता है साइलेंट वैली किस लिए फेमस है, तो ये अपनी डाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता दिवस। देखिए जैव विविधता जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 29 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे जैव विविधता दिवस कब होता है तो 29 दिसंबर को होता है, अगर पूछे यूएनओ के अकॉर्डिंग कौन सा होता है तो आपको, तो यूएनओ के अकॉर्डिंग 22 मई और वैसे आपका हो जाएगा 29 दिसंबर। अब हम बात करते हैं जैव विविधता नाम किसने दिया था, तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो नाम दिया था वो किसने दिया था, वॉल्टर जी रोजेन ने दिया था 1986 को। ठीक है, तो जैव विविधता जो नाम है, बायोडाइवर्सिटी नाम है, किसने दिया है, वॉल्टर जी रोजेन ने दिया है। कब दिया है, 1986 को दिया है। आगे पढ़ते हैं, तो 2011 और 2020 का जो दशक है या जो डिकेड है, ठीक है, तो वो यूएनओ के अकॉर्डिंग कौन सा है, जैव विविधता दशक घोषित हुआ है, यानी कि 2011 से लेकर के 2020 तक के, 2011 से लेकर के 2020 तक के कौन सा दशक चल रहा है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी चल रहा है। ठीक है, जैव विविधता दशक चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिकेड चल रहा है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता में गिरावट के कारण। ठीक है, यानी कि जैव विविधता में गिरावट क्यों आ रही है, उसका विनाश क्यों हो रहा है, तो मेन रीज़न क्या है, प्राकृतिक आवासों का विनाश होना, यानी कि प्राकृतिक रूप से उनके लिए आवास ही नहीं बचे हैं, जब जगह ही नहीं बची है तो वहाँ पर विविधता कैसे होगी। और दूसरा मेन रीज़न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो प्राकृतिक आवासों का विनाश होना, वनों की कटाई होना, नगरीकरण होना, औद्योगिकरण होना, तो ये सब क्या है, मेन रीज़न है जैव विविधता के ह्रास के, जैव विविधता की कमी के। ठीक है, तो और इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी कि कोई विदेशी पौधा अगर हम अगर कोई विदेशी पौधा अगर किसी क्षेत्र में आ जाता है तो वो क्या करता है, आसपास का जो स्थान होता है वो भी क्या कर लेता है, घेर लेता है, यानी कि उसकी जड़ें क्या है, ज़्यादा फैल जाती है, यानी कि उसको क्या है, ज़्यादा मतलब जगह चाहिए होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ही तरीके के पौधे होंगे और अलग अलग तरीके के पौधे नहीं पाए जाएंगे। तो इस तरीके से विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी जैव विविधता की कमी के कारण है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि जैव विविधता को किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें दो मेन उपाय हैं, इन सीटू और एक्सीटू। इन सीटू में क्या होता है, कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है, अगर उस कोई संकटग्रस्त पौधा है तो उसको उसी के स्थान पर अगर सुरक्षित रखा जाता है, उसी के स्थान पर उसको बढ़ाने के, यानी कि उसको मतलब क्या कहते हैं, कंजर्व करने की कोशिश की जाती है, उसको सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, इन सीटू में आता है। और कोई पौधा बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है, उसको उस जगह पर सुरक्षित नहीं किया जा सकता, तो क्या करते हैं, हम उसको दूसरी जगह ले जा करके, यानी कि लेबोरेटरी वगैरह में ले जा करके, प्रयोगशाला वगैरह में ले जा करके अगर हम कंजर्व करते हैं, अगर उसको हम सुरक्षित रखते हैं, तो वो किस में आता है, एक्सीटू में आता है। तो कोई पौधा उसी की जगह पर उसी के क्षेत्र में रख करके उसको सुरक्षित किया जाता है तो इनसीटू, अगर उसी पौधे को दूसरी जगह ले जा करके उसको सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है तो किस में आता है, वो एक्सीटू। क्लियर। अब हम बात करते हैं जलीय जैव विविधता।
अब हमने स्थल की बात कर ली, अब हम देखते हैं जल में विविधता किस तरीके से होती है। तो जिस तरीके से स्थल पर विविधता विभिन्न प्रकार की होती है, इसी तरीके से जल में भी विविधता पाई जाती है। तो जल में विविधता कहाँ पर ऐसी होगी? जहाँ पर जो द्वीप होते हैं, जहाँ पर आपके कोरल द्वीप होते हैं, तो वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें आपका कोरल द्वीप में लक्षद्वीप आ जाएगा, और इसके अलावा कौन सा आपका हो जाएगा? अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। तो लक्षद्वीप जो आपका है वो कोरल द्वीप है, किससे? मूंगे की चट्टान से बना हुआ द्वीप है। तो ये होता क्या है, कोई द्वीप है तो उसके जो आसपास एरिया में जो है छोटी छोटी मछली पाई जाती हैं, ठीक है। छोटी मछली का मतलब छोटी मछली के की सिचुएशन बनती है, और उसी मछली को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं। तो इस तरीके से हम जो द्वीप होता है, जो कोरल द्वीप होता है, तो उसके आसपास जो है जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो आपका जो लक्षद्वीप है वो कोरल द्वीप है, तो आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी हो जाएगी और मन्नार की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है। रेड डाटा बुक को किसने जारी किया था? इसको जारी किया था IUCN ने, ठीक है, IUCN ने। ये आपका IUCN है, ठीक है, IUCN, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसको जारी किसने किया था? IUCN ने जारी किया था, और कब जारी किया था? 1963 में जारी किया था, ठीक है। तो 1963 में इसको जारी किया था। इसमें होता क्या है, इसके जो पिंक कलर के जो पेजेस होते हैं उसमें उन जीवों को लिखा जाता है जो संकटग्रस्त होते हैं, यानी कि पिंक कलर की पेजेस पे किसको लिखा जाता है? संकटग्रस्त जीवों को लिखा जाता है। और उन्हीं संकटग्रस्त जो जीव होते हैं, अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही तो उसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? ग्रीन कलर के पेजेस पे, यानी कि संकटग्रस्त को किस में लिखा जाता है? पिंक कलर के पेजेस पे। और अगर उसका अगर उन्हीं जीवों का मतलब बढ़ोतरी हो रही है, उसमें सुधार हो रहा है, उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? ग्रीन कलर के पेजेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्स प्रजाति कौन सी होगी, विलुप्त प्रजाति कौन सी होगी। तो जो प्रजाति, जो जीव जंतु 50 साल तक नहीं देखे गए हैं, तो उसको हम विलुप्त की कैटेगरी में रख देते हैं। यानी कि जो जंतु 50 साल तक नहीं देखे गए हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम विलुप्त कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि भारत में जो चीता है वो पूरी तरीके से क्या है, विलुप्त हो गया है, किसके अकॉर्डिंग? IUCN के अकॉर्डिंग, ठीक। तो आज हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में पढ़ा, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। तो उसको हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जैव विविधता क्या है, तो किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वही क्या होती है, उसकी जैव विविधता होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, एक मिनट रुक जाइए, फिर हमने पढ़ा जैव विविधता के प्रकार कितने हैं। तो तीन प्रकार हैं, अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, समुदाय विविधता। अनुवांशिकता के आधार पर जो होगा तो अनुवांशिक विविधता, दो अलग अलग जाति में जो विभिन्नता पाई जाती है उसको प्रजाति विविधता, समुदाय के अगर हम कंपेयर करें तो सामुदायिक विविधता हो जाएगा। आगे क्या है, जैव विविधता को मापन कितने हैं, तो आपके अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। जैव विविधता का कारण क्या है, अत्यधिक बारिश होना, उच्च तापमान का होना, ठीक है। हॉटस्पॉट आपके मेन कौन से हैं, आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अगर पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में कंपेयर किया जाए तो पश्चिमी घाट में ज़्यादा विविधता पाई जाती है। फिर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो UNO के अकॉर्डिंग 22 मई को, और वैसे आपका 29 दिसंबर को। सबसे पहले इसका नाम किसने दिया था, वॉल्टर जी रोजेन ने दिया था। कब दिया था, 1986 को दिया था। UNO ने 2011-2020 तक के वाला कौन सा दशक चला, जैव विविधता दशक चल रहा है। जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है, प्राकृतिक आवासों का विनाश होना, ग्लोबल वार्मिंग का होना, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, या नगरीकरण, या औद्योगीकरण, या शहरीकरण वगैरह होना। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इन सीटू और एक्सीटू, यानी इसमें क्या करते हैं, इन सीटू में उसी स्थान पे हम संरक्षित करते हैं, और एक्सीटू में उस पौधे को अलग ले जा करके संरक्षित करते हैं। फिर क्या हमने पढ़ा था, जैली जैव विविधता में क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप, आपका अंडमान निकोबार, कक्ष की खाड़ी,
कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। रेड डाटा बुक में क्या होता है कि संकटग्रस्त जीवों को रखा जाता है, अगर 50 साल से अगर किसी को नहीं देखा गया तो वो विलुप्त कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जैव विविधता के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगी, तो आप उसको भी देखिएगा और उसको भी समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।